मैं सुरेंद्र पाल सिंह ब्राइट हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन। आज इस फिल्म का है जिनने जन्मे सारे निकम्मे, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में बात करें? जिनने जन्मे सारे निकम्मे, वो असी सारे ने ट्रेलर ही देख के इतनी हंसी आई, असी क्या हमने पिक्चर देखनी देगी सब ने सोच लेता है। असी तो पूरा रिव्यू किया, इस पिक्चर के अंदर बिल्कुल कोई सिखा दे पंजाबियों के बारे कोई टॉन्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगा। एक कॉमेडी है, कॉमेडी नाल सब का मन खुश करने वास्ते पिक्चर बनी है। हंस खेड़ के जाओ, निकल के बस अपना खुश रहो, कोई किसी की पॉलिटिकल फिगर नहीं है इसके अंदर। इस करके बड़ी खुशी हुई इस पिक्चर नूं। असी रिव्यू किया है, फिर असी रिक्वेस्ट की बाहुजा फैमिली नूं, भाई बाहुजा फैमिली सानू भी नाल जोड़ लो, जो कि असी भी अपना वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज अगे अपने भावों भैनों नूं पास ऑन कर सकीए। आने वाले मेहमानों की बात करें, कौन कौन है, किस किस को आप दिखा रहे हैं फिल्म? हम लोग अपने पहले तो ये मेन हमारी मैनेजिंग कमेटी है, उसके बाद हमारे मेंबर्स हैं काफ़ी, और हर एक कोई बंदा अगर आप देखेंगे एक से एक बढ़ के VIP है जो हमारे इस WPA में जुड़े हुए हैं। हर एक अपनी अपनी संस्था में महान है, फिर ये ग्रुप पूरा जब जुड़ गया तो हमें ये एक नीडी पीपल के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके जो बुज़ुर्ग हैं, उनके बुज़ुर्ग के जो है 60 साल से जो ऊपर बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमने उनके लिए डे केयर सेंटर बनाया है, जहाँ पे बुज़ुर्ग आके अपना वक्त गुजारते हैं, और जो इज़्ज़त उन्होंने पहले 60 साल से पहले उनकी थी उसको हमने रिटेन किया है। वहाँ गेम्स रखी हैं, वहाँ डॉक्टर्स आते हैं, उनको समझाते हैं, ये सब कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, एक से एक बड़े करते हैं। बीच में ये पिक्चर आ गई तो हम बोला चलो ये भी सबको आनंदित कर देंगे। काफ़ी मेंबर्स आए हैं हमारे, और भी हमारे काफ़ी VIPs टीबी जी ने जोड़े हैं, हमारे बछेर साहब ने जोड़े हैं काफ़ी VIPs, तो ये सब आके यहाँ पे हम शामिल हुए हैं, इकट्ठे हुए। सर, मुंबई में जो है पंजाबी फिल्मों का बहुत कम रिलीज होती हैं, बहुत कम, हर फिल्म में कुछ फिल्में ऐसी भी आई हैं जिसपे सिखों ने आवाज़ उठाई है, गलत दिखाया गया है उन फिल्मों में, तो इसके लिए WPO क्या करता है? एक्चुअली ये सिर्फ पंजाबियों की बात नहीं है, ये हिंदी फिल्मों में भी हो रहा है। भाई वो जैसे पगड़ी पहननी है, कुछ भी उल्टी सीधी पगड़ी डाल के, कुछ भी शेविंग शेविंग करके, वो जो रूप जो दिखाया जाता है वो गलत दिखाया जाता है। पंजाबी फिल्मों को फिर भी समझ है किस तरह रूप इसका दिखाना है। मैं तो चाहता हूँ कि पंजाबी फिल्में और से और आए, जो कि समझ आए कि पंजाबी का जो है कल्चर वो पंजाबी फिल्मों के थ्रू ही आएगा, ना कि हिंदी फिल्मों में तो सिर्फ एक ड्रामा के लिए और उसको कुछ दिखाने के लिए दिखाया जाता है। पंजाबी फिल्में मैं तो चाहता हूँ जितनी हो सकती हैं आनी चाहिए मुंबई में, जो हमारा गढ़ है फिल्मों का। मैं तो चाहता हूँ बाहुजा फैमिली इसको और उठाए, तरीका बनाए, जो कि और पंजाबी फिल्में यहाँ आए। ज़्यादा तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर आप? इस फिल्म को लेकर मेरा तो यही मैसेज है कि ऐसी फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए, जो कि हंस खेल के हर कोई अपने अपने घरों में जाए, किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, एंटरटेनमेंट रहे, बस जो इस फिल्म में है। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं कैनी छाबड़ा जी, और मैं जिन्ने जमे सारे निकम्मे का डायरेक्टर हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा पंजाबी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, टिम्मी मेहता जी का, जिन्होंने आज हमको इतना प्यार दे करके और मुझे यहाँ बुलाया है और मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, स्पेशली फॉर पंजाबी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और मेरे लिए खुशी की बात इसलिए भी है बिकॉज ये जो फिल्म है ये पहली पंजाबी फिल्म है जो कि OTT पे एक्सक्लूसिवली रिलीज़ हो रही है, तो थिएटर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो इसके लिए भी ये स्क्रीनिंग जो है ना एक्सक्लूसिव हो जाती है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे प्रोडक्शन हाउस बवैया स्टूडियोज़ और जी स्टूडियोज़ की तरफ से, मैं टिम्मी जी का और पंजाबी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का थैंक्स बोलना चाहूँगा। सर, हैरी जी की बात करें, बवैया साहब ने एक से एक हिट फिल्में दी हैं, तो इस फिल्म की अगर बात करें क्या कहानी है और किस तरह की है? देखिए, बिल्कुल हैरी जी ने एक पंजाबी सिनेमा के लिए, और मैं बोलता हूँ हमारी संस्कृति के लिए, एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई है चार साहबजादे, जो कि आज वो अपने आप में एक ऐसी फिल्म है जो कि ना केवल एक हिंदी ऑडियंस या मतलब यू नो एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ने उसको अप्रिशिएट किया, और बिकॉज हमारे गुरुओं की, हमारे सिखों के ऊपर उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म बनाई है, तो इसके लिए अब एक पंजाबी फिल्म में उनका ये वापस जो अगली फिल्म जो जिन्ने जमे सारे निकम्मे उन्होंने बनाई है, प्रोड्यूस करी है,
तो बहुत स्पेशल हो जाती है और लोगों को, ऑडियंस को मेरा अभी, मैं इनफैक्ट आज ही मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मैं स्क्रीनिंग के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो जो एप्रिसिएशन और जो प्यार मिल रहा है पंजाब में वो बहुत ही कमाल का मिल रहा है। मतलब जो रिव्यूज़ मिले हैं, जो ऑडियंस के रिएक्शंस आ रहे हैं, जो मुझको मैसेजेस आ रहे हैं, वो बहुत लोग प्यार दे रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे आज, बिकॉज बॉम्बे में आज हमारा जो मतलब हमारे यहाँ पे जो पंजाबीज हैं, तो वो इस फिल्म को देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है ना, उनको कुछ एक एक एंटरटेनमेंट के साथ में एक मैसेज ज़रूर देगी। बिकॉज अभी हम बस फिल्म स्टार्ट होने वाली है और जब लोग देखेंगे तो उसके बाद में आप उनका रिएक्शन उनसे लीजिएगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात वो होगी, बिकॉज हमने आज जो फिल्म बनाई है वो बनाई है ऑडियंस के लिए। अगर ऑडियंस का प्यार मिल जाता है, अगर दर्शकों का प्यार मिल जाता है, तो उससे बड़ा अचीवमेंट किसी भी फिल्म मेकर के लिए नहीं होता है। दिलवाले कयामत, एक्शन मूवी से लेकर प्यार रोमांटिक फिल्में, इस फिल्म की बात करें, ये किस तरह की? देखिए, ये फिल्म एक बहुत ही रियल फिल्म है। मतलब अगर इसकी कहानी भी देखेंगे आप ये, तो ये एक कपल है, निरंजन सिंह और सतवंत कौर, तो उनके चार बच्चे हैं। तो कपल आज की लाइफ में बहुत नॉर्मल होता है कि अनइंटेंशली जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो माँ बाप का या जो बच्चों का रिश्ता वो कुछ नेगेटिव रिश्ता होता है, लेकिन वो मजबूर होते हैं। अब जो बच्चे अपना काम पे बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, या जो कॉलेज में जाते हैं, तो वो आज की लाइफ में इतना बिजी हैं कि कहीं ना कहीं उनको अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। तो मेरी फिल्म भी उसी की है, स्टोरी यही है कि जो एक एल्डर कपल है, उनके चार बेटे हैं, लेकिन उनके लिए पेरेंट्स के लिए बच्चों के पास टाइम नहीं है। तो स्टारकास्ट की बात करें, कौन कौन इसमें? स्टारकास्ट जी बहुत ही उम्दा कलाकार हैं पंजाबी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के। बिन्नू ढिल्लो जी हैं, जसविंदर भल्ला जी हैं, सीमा कौशल जी हैं, और उसके अलावा जो वहाँ पे मैंने इस फिल्म में तीन न्यू कमर्स को, नए चेहरों को भी मौका दिया है। मतलब जो मेरा भी ये मेरी डेब्यू फिल्म है, तो मैं खुद डेब्यू फिल्म कर रहा हूँ, डेब्यू डायरेक्ट कर रहा हूँ इस फिल्म को। सो इसके अलावा जो एक्टर्स हैं, मनिंदर सिंह है जो डेब्यूटेंट एक्टर है, जो पंजाबी के लिए, उन्होंने हिंदी में काफ़ी काम किया हुआ है। अरमान अनमोल है जो कि वहाँ पे करमजीत अनमोल जी एक्टर हैं, बहुत ही उनके बेटे हैं। और उसके अलावा दीपाली राजपूत और भूमिका शर्मा जो हमारी जो लीड कास्ट हैं, जो लड़कियाँ हैं, और ये कास्ट है हमारी। अगर 4 साल की बात करें तो पंजाबी स्टोरीज जो हैं काफ़ी हिट हुए, चाहे उड़ारियाँ सीरियल हो या कोई भी हो, काफ़ी सारे सीरियल्स ऐसे जो पंजाबी हैं, पंजाबी स्टोरीज पे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, पंजाबी पहली चीज़ तो जो आज हम अगर बॉलीवुड में भी देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से पंजाब जुड़ा ही है। चाहे आप गानों में देख लो, चाहे आप अगर अगर कुछ स्टोरीज यहाँ की होती हैं तो लोग पंजाब में जाके शूट करते भी हैं, तो पंजाब कहीं ना कहीं बहुत जुड़ा हुआ। और ये क्या है, बिकॉज पंजाबी फिल्म है, एक पंजाब की संस्कृति को एक मैंने दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन ये है कि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एक मैसेज देगी। तो इसको जैसे हम Z5 पर रिलीज़ कर रहे हैं इसको, तो लोग जो सबटाइटल्ड में इसको, जो नॉन पंजाबीज हैं, वो भी इसको देख सकते हैं, और देख करके उनको भी फिल्म अच्छी लगनी चाहिए। प्रीमियर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, किस किस को बुलाया आपने फिल्म के प्रीमियर पर? देखिए जी, प्रीमियर के अलावा मैं प्रीमियर में तो मैं अब ये पंजाबी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने तो मुझको बुलाया है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये। और इसके अलावा डेफिनेटली मेरे सारा, मतलब मैं तो कहता हूँ मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया यहाँ पे, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि बिकॉज सब लोग के साथ में फिल्म देखना, जैसे मैंने बोला कि थिएटर में पिक्चर रिलीज़ नहीं हो रही है, तो जो मेरे रिलेटिव्स हैं या जो मेरे दोस्त यार हैं, वो भी सब अपने अपने घरों में देख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कम से कम हम लोग सब इकट्ठे मिल करके देखेंगे। तो मैं देखूंगा, लोग जहाँ हंसेंगे तो खुशी होगी, जहाँ मैं थोड़ा सा रुलाने की कोशिश भी करी है फिल्म में तो लोग रोएंगे, तो मैं वो भी नोटिस करूंगा। तो ये एक्सक्लूसिव जो है यहाँ प्रीमियर ही कर रहे हैं ये पंजाबी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी प्रीमियर किया आपने कहीं पंजाब? बिल्कुल जी, हम अभी 13 तारीख को चंडीगढ़ में प्रीमियर करके आए हैं, और मैंने जैसे बताया, मैं अभी आज ही चंडीगढ़ से आया हूँ मैं, और वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। अगर आप रिव्यूज़ भी देखोगे, बहुत अच्छे रेटिंग्स दी हैं, मीडिया ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, और बहुत प्यार मिला है पंजाब में। अगर इस फिल्म को बताएं कि रीमेक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे? बिल्कुल रीमेक नहीं है, मुझे इनफैक्ट वहाँ पे भी काफ़ी मीडिया पर्सन ने ये पूछा कि सर ये बधाइयों, बिकॉज मेरा जो ट्रेलर है उसमें मैंने बधाइयों का जिक्र किया है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ बधाइयों का उतना ही पार्ट है कि एक कपल इंसिडेंटली बधाइयों फिल्म देखने चला जाता है, और वहाँ पे वो फिल्म देख करके उसके दिमाग में उसको जो क्या आइडिया आता है, बस आगे की कहानी मेरी जिन्ने जम्मे सारे निकम में चली। हैरी जी का सबसे पहले तो मैं उनको थैंक्स करूँगा कि आज हैरी जी ने, देखो किसी भी डेब्यूटेंट डायरेक्टर के लिए क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर का विश्वास अगर नहीं होता है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोड्यूसर इज़ द वन हु मेक्स द फिल्म, जो फंड्स लगाते हैं, तो
हैरी जी ने मेरे पे ट्रस्ट किया, उनके बेटे हरमन बवेजा जो कि एक्टिवली अभी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और विक्की भारी हैं, उन्होंने ट्रस्ट किया और मुझे मौका दिया और मैं खुश हूँ कि उनको फिल्म बहुत पसंद आई है। तो एक डायरेक्टर के लिए क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जब किसी के प्रोड्यूसर के पैसे पे आप अगर एक फिल्म बना रहे हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर की, आपकी उस चीज़ को एक अंजाम अच्छा दो, फिल्म अच्छी बनाओ, उनका प्रोडक्शन वैल्यू उनकी जो है वो उनको उनके रिटर्न्स मिले उनको। तो दे आर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट, सो ऑडियंस इज़ हैप्पी, प्रोड्यूसर इज़ हैप्पी, कास्ट इज़ हैप्पी, डायरेक्टर इज़ हैप्पी। फिल्म से क्या उम्मीद है आपको छावड़ा साहब? सर मुझे फिल्म से ये उम्मीद है कि डेफिनेटली ये फिल्म एक मैसेज ज़रूर देगी। आज देखिए फिल्म क्या है कि हम एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया होता है, हम जब कोई भी फिल्म बनाते हैं तो हमारा एक पर्पज़ होता है कि हम लोगों को एंटरटेन करें, ऑडियंस को एंटरटेन करें। लेकिन इस फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको एक मैसेज बहुत प्यारा सा मिलेगा जिसको कि आई थिंक लोग डेफिनेटली फिल्म देखने के बाद मेरा ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं सोचेंगे ज़रूर कि क्या उनकी ज़िंदगी में उनके माँ बाप के साथ या उनकी ज़िंदगी में कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है जिसके लिए उनको भी कुछ विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। तो ये पक्की बात है कि फिल्म देखने के बाद लोग कहीं ना कहीं कुछ सोचेंगे ज़रूर, सोचने मजबूर जरूर होंगे, और अगर वो जो सोच उन्होंने अगर वो सोच लिया ना तो मेरा फिल्म बनाने का काम जो है ना वो मतलब आई विल बी हैप्पी, मुझे लगता है वो मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे सीख होने के कारण जैसे आपसे हम बात करें कि कुछ ऐसी फिल्में हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि फिल्म पब्लिसिटी हो गई, कुछ ऐसी फिल्में बनाते हैं जानबूझ कर सीन जोड़ा जाता है जिससे कि उनकी भावना को ठेस पहुंचे और फिर बवाल हो, फिर कंट्रोवर्सी हो, फिर वेट हो जाए। जैसे अक्षय कुमार की फिल्म आई थी तो क्या कहना है इस बारे में, कितनी आवाज़ उठाई है सीख होने इस बारे में? देखिए मैं सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में कॉमेंट करूँगा और मेरी फिल्म में ना मैंने कोई ऐसा कुछ भी बवाल मचाने वाला ना तो कुछ सब्जेक्ट, ना तो कोई सीन, ना तो कुछ शूट किया, ना किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश करी है। एक जैसे मैंने बोला बहुत ही एक साधारण सी फिल्म बनाई है और बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है और लोगों को रिलेट करेगी, लोग इससे फिल्म से रिलेट ज़रूर होंगे। तो बहुत ही अच्छी प्यारी नीट एंड क्लीन और फैमिली के लिए फिल्म बनाई है और लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे। इसके अलावा कोई अगला प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे? बिल्कुल जी चल रही हैं आगे, अभी इनफैक्ट मैं कुछ एक दो और मीटिंग्स करके आया हूँ, लेकिन अभी पहले मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ, पहले मैं एक हफ्ता भी इसको एंजॉय करना चाहता हूँ बिकॉज बहुत मेहनत करी है। अपने वाहेगुरु का शुक्रिया, उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज इतने स्ट्रगल के बाद आज मुझको ये मौका मिला है कि मैंने मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट करी है और इसमें बहुत रोल है। मैं आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल, माई द ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स की आज उनकी जो दुआएँ हैं, मेरे जो मेरी वाइफ और जो आज 15 साल से जो उनको मैं एक सपना दिखाते आया हूँ कि हाँ यू नो द डे विल कम जब हमारे सपने पूरे होंगे, तो आई थिंक आज वो घड़ी है। थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ मैं कि आज जो 15 साल से जो करने आए थे इंडस्ट्री में तो आज उसकी पहली सीढ़ी मैंने चढ़ी है और जो मेरे यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे करीबी हैं, जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन बहुत काम आता है और आपको लगता है कि नहीं यू नो आप जो करने आए हो ज़रूर करोगे और एक दिन आएगा जब जिसको बोलते हैं वो अपना टाइम आएगा। तो बस उसकी इंतज़ार थी घड़ी की, आज मुझे लगता है कि वो आज मेरी पहली स्टेप जो मेरी पहली सीढ़ी है वो मैंने चढ़ी है और इसके आगे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी बिकॉज अब मैं चाहूँगा कि अब ये जो आगे जर्नी है मैं और ऑडियंस के लिए और अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे मैसेजेस के साथ में मैं कुछ आगे अच्छा काम करता रहूँ, बस यही कोशिश रहेगी। थैंक यू।